नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि मैं स्ट्रेटजी को, मेरे टेक्निक को इस तरह से समझ पाए। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचिए, व्हाइट टू प्ले क्या होगा, ब्लैक टू प्ले क्या होगा। मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई निर्णय पर जरूर पहुँच गए होंगे। ये प्रैक्टिकल नाइट एंड गेम है। इसमें मैं नाइट के खिलाफ क्या क्या गेम, कैसे कैसे पॉन, किस तरह से पीस कैसे कैसे खेलेगा, वो मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत बार मैच में क्या होता है कि विनिंग पोजीशन रहता है लेकिन हम को खेलने नहीं आता या हम अच्छी तरह से नहीं खेलते हैं, जिसके कारण मेरा जीता हुआ पोजीशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि अभी तक आप कोई ना कोई निर्णय पर जरूर पहुँच गए, तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर ब्लैक जीतेगा। ठीक है, ब्लैक जीतेगा क्योंकि ब्लैक के पास 3 पॉन है और वाइट के पास 2 पॉन है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो दिखाया लेकिन इसमें बहुत बार 3 पॉन वाला भी ड्रॉ, मैच ड्रॉ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जीतेगा। लेकिन जीतेगा तो फिर कैसे जीतेगा, आपको वो पैटर्न को समझना होगा। वो पैटर्न समझने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। और एक बार जब भी मेरा वीडियो देखे तब आप ज़रूर से ज़रूर क्या करें, बोर्ड को सामने रखें, ताकि आप अच्छा से चेस बोर्ड को सामने रखें और ताकि आप अच्छा से समझ पाएं। ठीक है, मूव बाय मूव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे B3 किए, ठीक है, वो E4 किया क्योंकि वो E4 करेगा ही, हमको पता था। तो हम B3 किए और फिर हम थोड़ा D4 से चेक मारे। तो यहाँ पे वो क्या किया, अपना किंग को सेव किया, किंग E5 करके। तो फिर एक बार चेक मारे C6, तो फिर उसको हम भगाने के लिए फिर D6 किए और हम C4 करते, तो फिर ऐसे ऐसे घुमाते रहता, तो यहाँ D4 आया, तो फिर हम D5 आए। अब क्या है कि अब वो मेरे को चेक नहीं दे सकता है, उसको घूम फिर के आना पड़ेगा, तो इसीलिए वो E2 आया। तो फिर हम आ गए E5, क्योंकि फिर वो यहाँ से F4 से चेक मार सकता था। तो अब वो क्या किया कि जब वो देखा कि वो प्लान सक्सेस नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करें कि हम पॉन से पॉन को एक्सचेंज कर दें, ताकि उसका पॉन भी अटक जाए, मेरा पॉन भी अटक जाए। और इस तरह से हम यहाँ पे वो किंग से डिफेंड, किंग और नाइट से डिफेंड किया ही हुआ है, तो इस तरह से वो जीत ना पाए और मैच को ड्रॉ कर दे। तो ब्लैक पॉन समझ गया, इसीलिए वो G5 किया, वेटिंग मूव दे दिया, यहाँ एक्सचेंज हुआ, दोनों का पॉन अटक गया है। देखिए, व्हाइट के पास 1 पॉन होने के बावजूद भी वो पोजिशन को होल्ड करके रखा हुआ। तो अब कैसे जीतना है दोस्तों, वो देखिए। तो यहाँ पे वो सपोर्ट के लिए नाइट जीवन कर दिया और एक मूव भी चाहिए था उसको, इसीलिए कर दिया। तो पहले हम उसको यहाँ पे चेक दिए, चेक देने के बाद थोड़ा हटाए उसको, हटाने के बाद फिर अपना हम किंग को इम्प्रूव किए, ना कि अपना पॉन को पुश किए, क्योंकि प्रॉब्लम पॉन में भाई दोस्तों ये भी है कि पॉन एक बार प्रमोट हो जाए या पॉन एक बार पुश हो गया तो बैक नहीं हो सकता। वो पॉन ही एक ऐसा चीज है जिसको एक बार आप मूव करने के बाद उसको आप पीछे नहीं ला सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों। इसीलिए बहुत सोच समझ के पॉन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ से वो चेक मारे तो हम क्या किए, फिर अपना अभी मेरा मोटो क्या है कि पहले अपना किंग को इम्प्रूव कर ले, किंग को इम्प्रूव क्या कर ले, उसको ऐसा जगह पे ले आए ताकि हम D2 पे ले आए, या ताकि हम पॉन को पुश करेंगे जब हम, तो उसका सपोर्ट पे रहे, क्योंकि अभी जो पॉन है मेरा 4th रैंक पे E4 पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉन है। यही पॉन की वजह से हम जीत या हार, मैच ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे नाइट C1 किया, तो हमको D1 नहीं जाके हमको पहले C2 जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे वेटिंग मूव देना पड़ेगा नाइट के लिए, नहीं तो परपिचुअर पकड़ लेगा, ये बहुत बड़ा ये भी प्रॉब्लम है। जैसे कि ये पकड़ा हुआ नाइट E2, अब हमको घूम के जाना है, ऐसे घूम के पहले C2 जाके फिर D2 जाना है, डायरेक्ट D2 नहीं जाना है, ताकि आप अपना वेटिंग मूव बचा के रखें। क्यों बचा के रखे, देखिए इस तरह से नाइट D4 किए, अब आप यहाँ पे वेटिंग मूव बचाएं अपना। अब आप क्या किए, नाइट F4 कर दिए, तो यहाँ पे वो क्या किया, नाइट F5 किया। अब आप अगर आप पॉन पुश करते हैं D6 का, तो क्या प्रॉब्लम आएगा,
वो उसको मार देगा और मैच ड्रॉ हो जाएगा। और दूसरा वो आपका आपका पॉन पे भी अटैक किया हुआ है, जैसे आप उसका पॉन पे अटैक किए हुए है ना, वो भी आपका पॉन पे अटैक किया हुआ है, तो आप यहाँ पे उसका पॉन को मार दिए। लेकिन वो यहाँ पे अगर पॉन को मारता है तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं मारता है तो भी प्रॉब्लम है। कैसे देखिए, तो वो F1 चला और यहाँ पे इसका पोजीशन बहुत खराब हो गया। कैसे खराब हो गया, अब वो पुश किया, अब आप यहाँ पे पुश कर दीजिए, अगर आप यहाँ पे पुश भी कर देगा तो आपके पास क्या है, एक पॉन भी है, एक पॉन भी रहेगा, नाइट भी रहेगा, और उससे आप जीत सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो मारा, तो E2 किए, E2 करने के बाद यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि उसके पास एक और प्लान था, इसीलिए वो मारा है, वो मिस्टेक नहीं किया, यहाँ पे एक प्लान था, इस कारण से वो किया है। अब ये बात समझिए, प्लान ये था कि यहाँ पे अभी F3 करके, आपका फोर्क करके वो मार सकता है, तो उसका F3 का प्लान को रोकना है पहले, तो F3 का प्लान को कैसे रोकेंगे, अब G5 किए, अब वो F3 नहीं कर सकता है, अब F3 करेगा तो नाइट मार देगा उसको, और इस तरह से उसका हार हो गया। तो ये सब अगर आपको नहीं पता रहेगा तो पता चला कि आप एंड में मिस्टेक कर दिए, और ये गेम आप गलती से विनिंग वाला मैच ड्रॉ कर लिए। तो पेशेंसली खेलना पड़ेगा हमको, टाइम भी बचाना पड़ेगा, इसलिए ओपनिंग में जो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश कीजिएगा कि एंड गेम में आप पूरा सोच के खेले, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि मेरे शरीर को, मेरे टेक्निक को अच्छी तरह से समझ पाएँ। धन्यवाद।